दोस्तों, जो 4 तारीख को हमने स्टॉक बताए थे भारत फोर्ज और हिंडाल्को, तो भारत फोर्ज ने गुरुवार के रोज़ ब्रेकआउट दे दिया था और हिंडाल्को ने शुक्रवार के रोज़ दिया है। और आप जानते हैं, मैं वही स्टॉक बताता हूँ जिसमें एक अच्छी मूव आने वाली होती है, जिसमें आपका अच्छे से ज़्यादा मुनाफा हो। और मान लीजिए किसी रोज़ मैं स्टॉक आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि उस रोज़ जैसा कोई सा भी स्टॉक नहीं है वॉच लिस्ट में कि जो आपके साथ शेयर किया जाए। या मान लीजिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं ट्रेड लेता हूँ उस रोज़। दूसरी बात यह है कि आप अब निफ्टी ने एक नई रेंज बना ली है। लीजिए कि आपको इंडेक्स में बाय या सेल करना है, तो जब तक 10,200 से ऊपर नहीं जाए, है ना, ये ब्रेक नहीं करें, जब तक आपको इसमें नई एंट्री नहीं लेनी है बाय की, या 9,900 से नीचे ब्रेक करके नहीं आए, है ना, ब्रेक डाउन नहीं दे, जब तक आपको इसमें कोई भी पोजीशन फिलहाल कंडीशन में इन ये दोनों लेवल जब तक ब्रेक नहीं करे, 9,900 का या फिर 10,200 का, जब तक आपको फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं बनानी है, बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और स्टॉक बताने से पहले आपसे निवेदन है कि कम से कम आप वॉल्यूम का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बिना आप उसमें ट्रेड ना लें, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको कितने भी स्टॉक बता दूँ, कैसे भी स्टॉक बता दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है। वैसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक आपके हाथ से डेली निकलते जाएंगे, मैं चाहे कितने भी बताया करूँ, कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको अच्छे से समझें। रही बात FNO के कारण जो मूव आता है उसके, तो उसको मैं आने वाले समय में बताऊँगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक वीडियो में आपको बता दूँ और समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता तो मैं कब से वीडियो डाल देता उनका। अब हमारे पास दो है, सोमवार के लिए दो स्टॉक हैं। स्टॉक है इंडसइंड बैंक, इसमें आपको बाई करना है 453 से ऊपर जब ब्रेक करके जाए तब करना है, सेल करना है 402 से नीचे आए तब। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दूसरा स्टॉक हमारे पास है एल एन टी में आपको 964 के ऊपर जाए तब बाय करना है और सेल करना है 926 के नीचे। प्लस वॉल्यूम का बिल्कुल ध्यान रखना। एक बार फिर से निवेदन है कि आप वॉल्यूम का वीडियो ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे बाय करना, कैसे सेल करना। धन्यवाद।